इस पाठ में हम कक्षा सातवीं के अध्याय एक प्रश्नावली 1.1 में परिमेय संख्याओं को हल करना सीखेंगे, जिसमें हमारा पेज नंबर 7 है। तो चलिए हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। और सवाल, आज हम कक्षा सातवीं के प्रश्नावली 1.1 का सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है, जैसे 4/1, 3/7, 27, 24/0 और 3/5। इस सवाल को हल करने से पहले जो यहाँ कुछ जानकारियाँ हैं उसे हमें जाननी होगी। पहला, ऐसी सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी हो या लिखी जा सके, जिनमें p व q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जिसमें अंश और हर के रूप में दिया होगा, p अंश है और q हर है, जिसमें q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। हम सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है 4/1। 4/1 इसमें अंश दिया हुआ है और हर भी है। अंश का मान 4 है, हर का मान 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अगला सवाल है 3/7, 3/7, इसमें भी अंश दिया हुआ है और हर दिया हुआ है, इसलिए भी क्या होगा, हमारे संख्या परिमेय संख्या है। अगला है 27, 27 में क्या दिया हुआ है, 27 है, जिसमें एक नहीं दिख रहा है। तो हम लोग, ये होता है कि किसी भी संख्या में अगर एक नहीं दिया हुआ है तो उसके नीचे हर में एक होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 27/1, इसलिए भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या है। 24/0, इसमें हमारा हर का मान 0 है, जिसमें हम लोग बताए हैं कि परिमेय संख्या का हर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है। 3/5, 3/5, 3 अंश है और 5 हर है, इसलिए भी क्या होगा, परिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित संख्या में कौन सी परिमेय संख्या है, तो उत्तर लिख सकते हैं हम लोग 4/1, 3/7, 27/1 और 3/5 परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, जिसमें हमारा सवाल है 38। तो 38 का हम लोग परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, अंश में दिया हुआ है 38, मतलब दिया हुआ संख्या अंश है, इसलिए कहा जाएगा 38/1। 17 है, 17 को क्या लिख देंगे, 17/1। 0 का परिमेय संख्या रूप कितना हो जाएगा, 0/1। और 100 का परिमेय संख्या रूप हो जाएगा 100/1। 79 का परिमेय संख्या रूप हो जाएगा 79/1। इसमें हम 0 को अगर हर में 0 होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होता, लेकिन जो अंश में दिया हुआ है इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की 3-3 तुल्य परिमेय संख्या लिखिए। तो जो सवाल है 1/5, तो 1/5 का हम लोग 3 तुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे। तो इसमें अपने को कुछ नहीं कहना, एकदम सिंपल है, अंश और हर में, जैसे इसके 1 का टेबल दिया हुआ है तो 1 का टेबल पढ़ते जाएंगे, 1 एकम 5, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 5 का टेबल पढ़ दिए, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ये हमारा
तुल्य परिमेय संख्या बन गया है। अगला सवाल दिया हुआ है जिसका हम तुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे ऋण 3/4, तो लिख दिए ऋण 3/4। इसमें भी कुछ नहीं करना है, 3 का पहाड़ा लिखना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 कटे पहाड़ा पढ़ देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अगला सवाल है ऋण 5/8, तो कितना हो जाएगा, ऋण 5/8 का परिमेय तुल्य परिमेय रूप हो जाएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32। इसी प्रकार आप अगला पहाड़ा पढ़ते हैं, अगला सवाल है 6/11, तो 6/11 का परिमेय संख्या रूप हो जाएगा कितना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24। 11 का पढ़ देंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौको 44। हमारा लास्ट सवाल है नंबर 3 का 4/3, 4/3 का परिमेय संख्या रूप हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है, 4 का पहाड़ा पढ़ दिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16। 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। इसमें हमको बस एक चीज़ को ध्यान देना है, अगर किसी संख्या के सामने ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह हमको सभी संख्या के नीचे डालना होगा। पहाड़ा भर समान तरीक़ा से पढ़ देंगे, हमारा तुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा। ये जो बना हुआ है ये सभी क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। हम सवाल 4 की ओर चलते हैं, जिसमें सवाल 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, हमारा सवाल है 25/40। 25/40 का सरलतम रूप, सरलतम रूप हो जाएगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, 25 और 40 कौन सी पहाड़ा में आता है इसको ढूंढना है। जैसे 25 और 40 आता है 5 का पहाड़ा में, इसको लिख देंगे 5 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 5×5, और 40 कितना बार में आता है, 5×8। मतलब हमको एक ही पहाड़ा में दोनों संख्या को ढूंढना है आंसर हर को, और जिसमें आ गया जैसे 5 और 5 कट गया तो हमारा सरलतम रूप कितना हो जाएगा, 5/8। अगला सवाल जो अपना दिया हुआ है ऋण 16/36, तो ऋण 16/36 सरलतम रूप फिर लिख देंगे, सरलतम रूप हो जाएगा इसका भी सेम उसी प्रकार, कितना हो जाएगा, 16/36। तो 16 और 36 ढूंढना है अपने को, मतलब बड़ा से बड़ा पहाड़ा में, जैसे बड़ा पहाड़ा, अगर छोटा पहाड़ा में करेंगे तो हमारा गुणनखंड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 2 का पहाड़ा में भी 16 आ जाएगा लेकिन 36 नहीं आएगा, तो हम पहाड़ा अगर अच्छे से नहीं जानते हैं तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिसमें 16 और 36 एक ही पहाड़ा में आ जाए। जैसे हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 4×4, 4 चौको 16, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो 4×9, तो 4×9=36, 4×4 कट गया तो हमारा आ गया कितना, 4/9। हम और अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा अगला सवाल दिया हुआ है ऋण 15/45 सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या होगा इसका,
ऋण 45 बटे ऋण 15 बटे 45 का सरलतम रूप हो जाएगा। जैसे हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 15 और 45 15 का पहाड़ा में ही आ जाता है, इसलिए 15 लिख देंगे। ऋण 15 गुणित 1 फिर कितना हो जाएगा, ऋण 15 गुणित 3, ये 15 15 कट गया तो हमारा सरलतम रूप आ जाएगा 1/3। अगला सवाल दिया हुआ है 48/96, 48/96 सरलतम रूप इसका भी हो जाएगा, सेम उसी प्रकार है सरल, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे इसको लिखना चाहें तो एक बार लिख देते हैं, 12 का 12 आता है, 12 चौको 48 और 12 8 96, ये 12 और 12 कट गया तो हमारा जो बचा 4 और 8 ये सरलतम रूप नहीं है, इसको हम और सरल रूप में करना है, क्योंकि देखते हैं कि क्या है 4 का पहाड़ा में 8 आता है तो ये सरलतम रूप नहीं होगा, इसको हम और छोटा लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे छोटा रूप, कितना लिख देंगे 4 2 2 4 और 2 चौके 8, ये 2 2 कट गया, ये भी हमारा सरलतम रूप नहीं है, तो कितना हो जाएगा, फिर इसको लिख सकते हैं 1/2/2 तो ये 2 2 कट गया, हमारा कितना आया 1/2, ये हमारा सरलतम रूप है। 48/96 का सरलतम रूप कितना हो जाएगा 1/2। अगर हम चाहते तो यहाँ पे एक बार ही लिख देते 48 2 96, लेकिन हम सभी को 48 का पहाड़ा याद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इसको लंबा करने का प्रयास किया। अगला सवाल है हमारा ऋण 70/100, कितना दिया हुआ है, ऋण 70/100, ऋण 70/100 का सरलतम रूप कितना हो जाएगा, सरलतम रूप 70 पर आता है 10 का पहाड़ा 10 × 7, ऋण दिया हुआ ऋण लिख देंगे और 10 × 10, ये 10 10 कट गया, हमारा कितना आ जाएगा ऋण 7/10, तो हमारा सवाल का सरलतम रूप कितना हो जाएगा 4/9, 1/3, ये छूट गया था 5/8, यहाँ लिख देंगे 5/8, 4/9, 1/3, 1/2 और ऋण 7/10। सरलतम रूप का अर्थ है कि हम उसको और छोटे गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते, मतलब ये गुणनखंडों का सबसे छोटा रूप है, और यही हमारा क्या है ये सवाल का उत्तर। हमारा प्रश्न 5 का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ऋण 3/5, ऋण 6/10, 15/25, ऋण 27/45 और ऋण 15/20। हम इसको भी इसे गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिख देते हैं, जैसे 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, इसलिए कितना हो जाएगा ये 3/5 ही रहेगा, 2 का पहाड़ा में 6 आता है और 10 आता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं ऋण 2/3/2/5, 5 का पहाड़ा में 15 आता है 25, इसलिए लिख देंगे इसको 5/3 और 5/5, यहाँ पे दिया हुआ 27, तो यहाँ कितना 27 दिया हुआ है, तो 27 कौन सा पहाड़ा में आ जाएगा, इसका 27 का गुणनखंड लिख देते हैं, 27/45, 27 होता है 9/3 और 9/5 45, यहाँ ऋण है इसलिए ऋण लिख देंगे और हो जाएगा अपना क्या ऋण
तीन गुणित पाँच बटे ऋण तीन गुणित चार, पाँच गुणित चार क्योंकि पाँच चौके बीस होता है। तो ये पाँच, अरे पाँच कट गया, ये नौ नौ कट गया, पाँच पाँच कट गया, दो दो कट गया, अपने पास कितना बचा, ऋण तीन बटे पाँच, तीन बटे पाँच ये भी ऋण है। इसमें लगभग सभी संख्या में ऋण दिया हुआ है, ऋण पंद्रह छूट गया था, तो कितना हो जाएगा, ऋण तीन बटे पाँच, ऋण तीन बटे पाँच और ऋण तीन बटे चार। तो हमारा इसमें तुल्य परिमेय संख्या ये नहीं है, बाकी सभी तुल्य परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे तुल्य परिमेय संख्या बराबर ऋण तीन बटे पाँच, ऋण छः बटे दस, ऋण पंद्रह बटे पच्चीस, ऋण सत्ताईस बटे पैंतालीस। हम सवाल छः की ओर चलते हैं। सवाल छः है, क्या निम्न परिमेय संख्याओं के जोड़े तुल्य परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं, कारण सहित समझाइए। तो हमारा सवाल है नौ बटे ग्यारह और नौ धन तीन बटे ग्यारह धन तीन, तो इसको हल करना है। तो हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। नौ बटे ग्यारह यहाँ दिया हुआ है कोमा, नौ और तीन कितना हो गया बारह, ये हो गया बारह, और ग्यारह और तीन कितना हो गया चौदह। इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ बटे ग्यारह तो हो जाएगा दो छक बारह और दो सथे चौदह, ये दो दो कट गया, ताया कितना नौ बटे ग्यारह और हो गया छः बटे सात। तो दोनों संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, तुल्य परिमेय नहीं है, तुल्य परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण सीधा सीधा है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। बराबर तुल्य होने का कारण क्या है कि दोनों पद बराबर होता है, जैसे यहाँ नौ है तो यहाँ नौ आना चाहिए, ग्यारह है तो यहाँ ग्यारह आना चाहिए। हम अगले सवाल को फिर से देखते हैं। सवाल नंबर दो, क्या दिया हुआ है, पाँच बटे सात और कितना दिया हुआ है, पाँच ऋण दो सात ऋण दो। अब इसको भी इसी प्रकार से हल करते हैं तो पाँच बटे सात ही हो जाएगा, ये पाँच में दो घटाएंगे कितना बच जाएगा तीन, पाँच में सात में दो घटाए कितना बच गया पाँच। यहाँ भी स्पष्ट दिख रहा है कि अंश में यहाँ पाँच है, यहाँ तीन है, और यहाँ हर में सात है, यहाँ पाँच है, तो भी क्या है, तुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके दोनों पद बराबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या है, तुल्य परिमेय संख्या नहीं है।